और मुंगेर में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हाथों में उठा ली बंदूक। बंदूक ऐसे उठाई जैसे उसके अंदर बरसों से बंदूक प्रेम जग गया हो। हाथों में कभी ट्रिगर को दबाते बंदूक का, तो कभी ऊपर नीचे बंदूक को करते दिखे शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन दरअसल मुंगेर पहुँचे थे बंदूक कारखाना का निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बंदूक कारखाना में निर्मित एक नाली बंदूक का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करने के क्रम में बंदूक को अलट पलट कर देखा, चला कर देखा, ट्रिगर दबा कर देखा। वहीं कारीगरों से भी उन्होंने पूछा कि बंदूक तो बहुत बेहतर है, कीमत भी पूछा तो बताया गया कि मात्र 20,000 में यह बंदूक बाजार में उपलब्ध हो सकती है। वहीं उद्योग मंत्री ने यहां के कारीगरों की कुशलता पर मंत्रमुग्ध होते हुए कहा कि यहां के कारीगर के हाथों में जादू है। वहीं बताते चले कि मुंगेर बंदूक कारखाना का स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुआ था। उस समय 36 निर्माण इकाइयां कार्यरत थी, वर्तमान में सिमट कर मात्र 4 इकाई में ही प्रोडक्शन होता है। यह बंदूक कारखाना वर्तमान में अपने बदहाली पर 8-8 आंसू बहाने को मजबूर है। उद्योग मंत्री ने जब यहां निरीक्षण के क्रम में कार्य कुशलता मजदूरों की देखी तो उन्होंने कहा कि यह बंदूक कारखाना को मरने नहीं दिया जाएगा, यहाँ के कारीगरों की कुशलता को दम नहीं तोड़ने दिया जाएगा। हम यहाँ के अधिकारियों को पटना बुलाए हैं और इस उद्योग को पुनर्जीवित किया जाएगा। देखिए, पहली बार मैंने बंदूक कारखाना विजिट किया। यहाँ पर हमारे जो मुंगेर का बंदूक है वो पूरे दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये इंडस्ट्री में बहुत, बंदूक इंडस्ट्री में भी बहुत मदद की जरूरत है। अभी जो मैंने गन देखा है और हमारे लिए बहुत इसका विषय है कि सिंगल पंप एक्शन ये पहला बनाया है और ये बहुत अच्छा बनाया है। इसको सेफ नहीं होगा, सेफ कर दिया, नहीं नहीं सेफ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है जी सर। ये देखिए, ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, धन्य दीजिए सर को। और इसको मैंने देखा है कि बिहार के मुंगेर के कारीगरों के हाथ में कितना जादू है और ये उसका उपयोग जो है वो मूर्छित करने वाली एक गंध है, तो इसका उपयोग हो सकता है। और कैसे इस इंडस्ट्री को बचाया जाए, इसको मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। सैकड़ों साल से ये काम हो रहा है, 100 ईयर हुआ है और इस इंडस्ट्री को मरने नहीं देना है। जो गन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है वो लोग मिले हैं, अपनी समस्याएं बताई हैं, उस समस्या का कैसे निदान करेंगे इसके लिए हमने इनको पटना बुलाया है, बैठक करेंगे, जो भी मदद कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए करेंगे।